अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी बेबी फ्रॉक बना रही हूँ। ये बेबी फ्रॉक के अलावा चार पाँच साल बच्चियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनके लिए भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको दो पीस चाहिए, ठीक है। डेढ़ गज जो कपड़ा होता है उसमें आराम से बन जाते हैं। दो लॉन्ग पीसेस ले लें, ठीक है। विड्थ और चौड़ाई और लंबाई मैंने आपको बता दी है, लेंथ और विड्थ मैंने नीचे मेंशन कर दिए। प्लीज़ नोट डाउन द प्रॉपर लेंथ एंड विड्थ ऑफ दीज टू पीसेस, राइट, तो ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। ये दोनों मैंने ले ली। अब ये देखिए, मैंने लॉन्ग स्ट्रिप्स ली हैं। स्ट्रिप्स जो है वो आपने दो लॉन्ग स्ट्रिप्स ले लेनी है, ठीक है। ये भी तकरीबन होगी 25-30 इंचेस की एक स्ट्रिप हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये लेके आपने अपने पास रख लेनी है और कपड़ा डबल हो। ये ऑर्गेन्जा का पीस है, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने आपको बो बनाना सिखाई हुई है, स्क्वायर में आप काट के इसको स्टिच करेंगे और ये लॉन्ग स्ट्रिप है जिससे मैं दो जो है स्ट्रिप्स बनाऊंगी इसकी, ठीक है। इसको भी सिंपल सिलाई करते हैं, साथ में नीचे जो स्ट्रिप्स हैं ऑर्गेन्जा की उसके नीचे मैं पॉम पॉम लगाऊंगी। लेट मी टेल यू दैट हाउ यू कैन मेक द पॉम पॉम, ठीक है। तकरीबन 35-40 जो है वो आप अपने हाथ के आसपास इस तरह जो है वो ले लें। ये आपके दो पॉम्पम्स फ्रेंड्स इस तरह के तैयार हो जाएंगे। ये अब हम ऑर्गेन्जा की जो बो बनाएंगे उसके साथ लगाएंगे। अब मैं आपको सिंपल स्कर्ट की कटिंग और उसके साथ जो मैंने इलास्टिक लगानी है वो प्रॉपर तरीके से सिखा रही हूँ। प्लीज़ नोट डाउन ऑल द डिटेल्स वेरी क्लियरली ताकि आपको जो है वो बाद में इशू ना हो। फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे बनाया था या वो कैसे बनाया था, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से सिखा दूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी ना हो जो आपको समझ ना आए। जो नीचे वाला हिस्सा होगा आपकी फ्रॉक का वो तो आपने ऑब्वियसली पाइपिंग कर देनी है, ठीक है। ऊपर मैं इलास्टिक लगाऊंगी तो उसके लिए मुझे अलग से जगह जोड़नी होगी, ठीक है। दोनों को आप सेम एक ही तरह से देख लें कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। एक साइड से पाइपिंग कर दी और एक साइड से मैंने इसको तकरीबन 4 उंगलियों के फासले से करके स्टिच कर लिया है। 4 उंगलियाँ रख के आपने दूसरी साइड पर इसको जगह बना लेनी है इलास्टिक की। अब ये जो मेरे पास दो स्ट्रिप्स हैं जो मैंने ऊपर बनाने के लिए रखी हैं, ठीक है, ये तकरीबन सेंटीमीटर्स में आप ले सकते हैं। अब इन दो स्ट्रिप्स के अंदर इलास्टिक लगा के उसको स्टिच कर लें, दोनों को तैयार कर लें। आप जब इसको स्टिच कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसमें इलास्टिक डाल देनी है और दोनों साइडों से आपने इसको बंद कर देना है। ये फ्रेंड्स आपकी दोनों ऊपर स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। इसकी जो आपने लेंथ लेनी थी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, आप जितनी बड़ी लड़की होगी उसके साइज़ के मुताबिक आपने लेनी है, ठीक है। अगर बड़ी लड़की है तो आप 25 ले लें और अगर छोटी बच्ची है तो आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 ले लें, 10 ले लें, ठीक है, जितने आपको स्ट्रिप्स चाहिए जिस तरह की आप बनाना चाहते हैं। ये देखें, ये हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसलिए याद रखें, जितना बच्चे की लेंथ होगी, जितनी उसकी हाइट है, उसके मुताबिक आपने ये दोनों बनानी है। अब ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने नीचे से पाइपिंग कर ली थी, ऊपर हमने इलास्टिक की तकरीबन 3 हाथ छोड़ के सिलाई की थी। अब आपने बिल्कुल उस जगह के आगे से आपने जो है वो इलास्टिक डबल लगा देनी है यहाँ पर, ठीक है। सिलाई बड़ी रखनी है ताकि जो है वो बीच में
चुनट भी खुद ही बन जाएगी, और क्योंकि इलास्टिक लगेगी तो वो खुद बखुद ही चुनटें जो है वो आपकी बनती चली जाएंगी। दोनों के साथ आपने ये करना है। आप इस तरह बंद करके इसको आप स्टिच कर लें। अब देखें आपने कहाँ से स्ट्रिप लगानी है, तकरीबन 3 उंगलियाँ छोड़ के आप स्ट्रिप जो है वो अटैच कर लें। ठीक है, ये आपकी जो कमीज़ है उससे 3 उंगलियाँ आगे आपने स्ट्रिप को अटैच करना है। इस साइड से भी अटैच कर लेंगे और दूसरी साइड से भी आप इसको स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आपने दोनों करनी है। इसको ज़रा 2 सिलाइयाँ दीजिएगा ताकि ये बाद में खुल ना जाए। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी अटैच कर लूँगी। इस साइड से भी मैं 3 उंगलियाँ छोड़ के जो है वो दूसरी स्ट्रिप को अटैच कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये आपकी फ़्रॉक तैयार हो चुकी है और अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने 2 स्ट्रिप्स लगा के उनके आगे मैंने पॉम पॉम अटैच कर दिया। ये देखें आप, एक ही बड़ी स्ट्रिप को मैंने अटैच कर दिया है। अब ये देखें मैं किस तरह इसकी बो बनाऊंगी। इसी लॉन्ग स्ट्रिप को जिसके दोनों आसपास पे आपने पॉम पॉम लगाया था उसको आपने बांध के इस बो को बंद कर देना है। ठीक है, इसको आपने नीडल वर्क से बंद नहीं करना। एक सिंपल ऑर्गेन्जा का स्क्वायर काट लें और उसको आपने स्टिच कर देना, और एक लंबी सी स्ट्रिप काट लें। ठीक है, और उसके आसपास आप पॉम पॉम लगा लें, चाहे तो आप मशीन से लगाएं, चाहे तो बेस्ट यही है कि आप नीडल से लगा लें। ये देखें, ये आपकी फ्रॉक हो चुकी है तैयार। अब आपने ये जो बो बनाई है ऑर्गेन्जा की, ठीक है, इस ऑर्गेन्जा की बो को आपने इसके ऊपर सुई से अटैच कर लेना है। ठीक है, उसे आप मशीन से नहीं कर सकेंगे तो आप सिंपल नीडल से सेम कलर का धागा डाल के, ब्लू, जैसे डार्क ब्लू मैंने यूज़ किया, कलर कॉम्बिनेशन आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, अब हम इसको बो को इसके साथ अटैच कर लेंगे। दोनों बोस को आपने, दोनों बोस की साइड्स को आपने हल्के हल्के नीचे से जो है वो इसको नीडल से
आपने स्टिच करना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी एलिगेंट सी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। इसके साथ आप उन्हें निकर बना सकते हैं, इसके साथ आप जीन्स का यूज़ कर सकते हैं, टाइट्स बना सकते हैं, लॉन्ग भी इसको आप बना सकते हैं, शॉर्ट भी बना सकते हैं। बहुत क्यूट लगता है और समर के लिए तो बहुत ही बेस्ट जो है ये आपका ड्रेस तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये रिबन भी आप देख सकते हैं, ये सिंपल लॉन्ग स्ट्रिप से मैंने बनाया है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको मैं रिबन्स बनाना भी आगे सिखाऊंगी, ठीक है। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।